अस्सलाम वालेकुम। बड़ी फरमाइशों के साथ ये रेसिपी बन रही थी, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये आप लोगों के रमज़ान में भी बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले मैंने मैरिनेशन स्टार्ट की थी, उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस ली थी क्यूब्स में कटा हुआ। उसमें मैंने डाल दी थी एक अंडा और डेढ़ दो चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन डाली थी। मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। उसी के साथ इसमें मैंने डाल दी थी नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। फिर इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी जो कि डेढ़ से दो चम्मच इसमें डाल चुकी थी मैंने। उसी में डाल दी थी धनिया जीरा का पाउडर डेढ़ चम्मच। उसके साथ डाल रही हूँ तंदूरी चिकन मसाला, क्योंकि ये तंदूरी थ्रेड चिकन बाइट्स थे, तो ये मैंने डेढ़ से दो चम्मच इसमें डाल दी थी। उसमें डाल दी थी एक पूरा नींबू का रस डाल दी थी इसके अंदर। उसी के साथ मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी थोड़ा और चटपटा सा बनने के लिए, क्योंकि उसकी बाहर की कोटिंग ज़रा नॉर्मल रहती है तो अंदर चटपटा चिकन ज़रूरी है। और रेड फूड कलर डालकर इसका मैरिनेशन का मिक्सचर रेडी हो चुका था। मैंने इसको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दी थी, बट चाहिए तो आप दे दो। मैं तो इसे झटपट बना रही थी इसीलिए मैंने इसको फ़ौरन बना ली थी। अब यहाँ पर मैंने 25 समोसे की शीट्स थी उसको मैं कट कर रही थी। थ्रेड चिकन नूडल्स आते हैं बट इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसकी फरमाइश थी कि ये समोसे की शीट्स के साथ चाहिए, तो मैं इसके साथ बना रही हूँ। मैंने 25 शीट्स ली थी और इसको इस तरीके से मैंने कट करके रेडी कर ली थी। अब यहाँ पर एक एक चिकन के पीस को मैंने इसमें रखकर पूरी तरीके से कोट कर ली थी। अब यहाँ पर रखकर मैं इसको थोड़ा सा छोटे छोटे बाइट्स बना रही हूँ, तो मैंने उसको उसी तरीके से कोट किया था। मैंने लंबे स्ट्रिप्स नहीं कट की थी, क्यूब्स में कट की थी ताकि ये बाइट साइज़ हो और अच्छा साइज़ था। थोड़े मोटे मोटे साइज़ थे इसके। बस यहाँ पर ये कोट हो गया था। इसके बाद मैंने इतने क्वांटिटी में, मेरे 25 शीट्स थी, इतने क्वांटिटी में मेरे 18 पीस बने थे। ये और बन सकते थे बट मेरी शीट्स एक पैकेट थी इसलिए इतने ही बनी। तो अब चिकन बच गई थी तो अब उसका भी कुछ करना था, तो मेरे पास ये गोल्डन ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे। मैंने इसको स्टिक में डाली थी, एक स्टिक में तीन चिकन चार चिकन डाल दी थी और उसको मैंने इस तरीके से कोट करके कांडी चिकन भी बना ली थी। तो मेरे एक आधा किलो चिकन में दो दो रेसिपी बन चुकी थी, तो ये अच्छी क्वांटिटी बनी थी मेरी। अगर समोसा शीट्स और होते तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छी बन जाती, बट कोई बात नहीं, इसमें से मेरी दो दो रेसिपी निकल चुकी थी। तो यहाँ पर अभी इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसको टाइम नहीं दी थी सेट होने के लिए, मैं फ़ौरन बना रही थी इसलिए मैंने इसको फ़ौरन फ्राई कर दी। अब यहाँ पर क्रिस्पी सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो मेरा रेसिपी हो चुकी है रेडी। यहाँ पर ये थ्रेड चिकन बाइट सर्व कर रही हूँ। सबसे पहले शेज़वान चटनी है, होममेड है, इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, होममेड शेज़वान चटनी की। तो हमारा थ्रेड चिकन बाइट्स तो हो गया रेडी। अब उसी के साथ बचा हुआ था कांडी चिकन जो कि 5 स्टिक्स बने थे मेरे। अब चाहिए तो ये भी ट्राई कर सकते हो, इतने से क्वांटिटी में माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पर कांडी चिकन भी हो गया है, बड़ा जूसी सा बना था, बहुत अच्छा सा बना था। वही ब्रेड क्रम्स है जो गोल्डन ब्रेड क्रम्स जिसकी रेसिपी मैं शॉर्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी ज़रूर चेक करना और उसको स्टोर करके रमज़ान के लिए तो बना कर रख ही दो, बहुत काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारा कांडी चिकन हो गया, थ्रेड चिकन बाइट्स हो गया, तंदूरी थ्रेड चिकन बाइट्स, तो हमारी रेसिपी हो चुकी है पूरी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रमज़ान की बहुत सारी रेसिपी और आनी बाकी है। अभी हम चलते हैं, मिलेंगे दूसरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।